अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में संविधान बचाओ पद यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ये यात्रा अंबेडकर कॉलेज से शुरू होगी और पूरे मेरठ जिले का चक्कर लगाकर अंत में अंबेडकर मूर्ति पर ठहरेगी। इस पर साधना सपा विधायक अतुल प्रधान बोले कि संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों से रोजगार छीन लिए गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए ये पद यात्रा निकाली गई है ताकि हम संदेश दे सकें कि आगामी समय में हम सबको एकजुट होकर संविधान के लिए काम करना होगा। बता दें इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। साथ ही इस यात्रा में अतुल प्रधान का साथ देने आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचेंगे। देखिए विधायक अतुल प्रधान ने यात्रा के दौरान मीडिया से क्या कहा। ये संविधान बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, कहां से कहां तक ये यात्रा है, क्या विशेष रहा? ये अंबेडकर कॉलेज से चलकर आपके नंदन के सामने शराब गेट के सामने से होते हुए हापुड़ स्टैंड, आगे गुलमर्ग, गुलमर्ग के सामने आगे से ईवी चौराहा, बच्चा पार्क, शिव चौक, आरजी कॉलेज से होते हुए कचहरी पुल और आपके कचहरी के पास से चौधरी चरण सिंह पार्क से होते हुए आपके ये बाबा साहब की मूर्ति तक जाएगी। और संविधान की जिस तरीके से सरकार धज्जियां उड़ा रही है, लोगों को रोजगार बाधित कर दिए गए हैं, छीनने का काम हो रहा है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, नौजवान साथी बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहे होंगे, कि यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय पर हम सब लोगों को मिलकर संविधान के लिए काम करना पड़ेगा। जयंत चौधरी भी आपके बीच में पहुंचने जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना है कि दोनों पार्टी मिलकर के एक साथ अभी मैंने माननीय जयंत चौधरी जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी पदयात्रा में वो शामिल हो जाएं और उन्होंने मेरा जो है बुलाना स्वीकार किया, तो माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं और इसको और धार मिलेगी जिस काम को हम करना चाहते हैं। नजदीक में चुनाव है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए उसको कहना यही है कि गठबंधन वहाँ पे चुनाव जीत रहा है और चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्थाओं को अपनी को बचाने के लिए विश्वास कायम करने के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। किसान लखनऊ धरने पर पहुंच रहा है। देखिए आप किधर की तरफ भी देख लीजिए, हर कोई परेशान है, लाचार है, बेबस है, कमजोरी की हालत में है, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है, तो उन सब बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज संविधानिक संस्थाओं पर जो चोट ये सरकार कर रही है उसी को बचाने के लिए हम इस यात्रा का आयोजन। यात्रा में कितने लोग शामिल हुए? अब पता नहीं, लोग आते ही जा रहे हैं, अब जितने आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों हजार लोग रहेंगे और कोशिश रहेगी कि जितने लोग शामिल हो जाएं, कोई थोड़ी दूर चलेगा, कोई ज़्यादा दूर चलेगा, कोई पूरी यात्रा कराएगा, तो हम लोग सबको धन्यवाद देंगे। हाँ, जितना भी जो आ जाए, जो इस यात्रा में शामिल होकर यहीं से भी चला जाएगा, हम उसका भी धन्यवाद करेंगे, कम से कम इस विषय पर वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नव युगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ।